कांग्रेस द्वारा मोहन यादव सरकार पर लगाए गए तमाम आरोपों पर अब सरकार ने पलटवार किया है। सरकार की तरफ से मंत्री विश्वास सारंग मैदान में आए हैं और उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए उनके आंकड़ों और तथ्यों को भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया है। विश्वास सारंग ने कहा कि वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 40,000 करोड़ का कर्ज एक साल के अंदर मोहन यादव सरकार ने लिया है, जो गलत है, जबकि सरकार ने सिर्फ 25,000 करोड़ का कर्ज लिया है और जीडीपी के अनुसार उनको 65,000 करोड़ तक का कर्ज लेने की छूट है, यानी कि वो 65,000 तक का कर्ज ले सकते हैं, मगर उन्होंने अब तक सिर्फ 25,000 करोड़ का कर्ज लिया है। और इसके अलावा जो तमाम सारे आरोप विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लगे हैं वो भी झूठे और भ्रामक हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी घर के अंदर, यानी कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उससे बचने के लिए इस तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, जबकि सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने जो वादे किए हैं उनको पूरा कर रही हैं और उसमें से 310 बिंदुओं पर काम जारी है और कई बिंदुओं पर वादे पूरे भी हो चुके हैं। यानी कि विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के तमाम सारे आरोपों को नकार दिया है कि मोहन यादव जी की सरकार ने एक वर्ष में 45,000 करोड़ का लोन ले लिया। मुझे मालूम नहीं कि उनका प्रेस नोट कौन बनाता है। क्या जीतू भाई कमलनाथ जी की सरकार की बखिया उड़ने के लिए आज प्रेस कर रहे थे? और हिमाचल की सरकार में शासकीय कर्मचारियों को पैसे तनख्वाह देने के भी लाले पड़े हुए हैं, एक भी उनका संकल्प पत्र या वादा पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कटाक्ष किया है कि वादे उतने करने चाहिए जितने पूरे हो सके। कांग्रेस की उन सरकारों ने कोई वादे पूरे नहीं किए हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गुटबाजी को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता जनता को भ्रमित ना करें। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इतनी जल्दबाजी क्यों हुई ये हमें समझ में नहीं आया। मुझे लगता है ये दृश्य यदि कांग्रेस नेतृत्व का 15 दिन पहले दिख जाता जिसमें जीतू भाई को रोना पड़ा तो शायद उनकी वो स्थिति नहीं बनती। क्या कांग्रेस की कार्य समिति की गुटबाजी के दृश्य की रफूगिरी करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? क्या दिल्ली में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं भी राजनीतिक सोच रखता हूं? पर आश्चर्य है, कोई बड़ा नेता प्रेस लेता है तो कहीं ना कहीं आंकड़े सही देता है। बिना आंकड़ों की, बिना तथ्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये बताना कि हम सब एक हैं, इससे हो सकता है पद का बचाव हो सके, आपकी कुर्सी का बचाव हो सके, परंतु जनता इस तरह से गुमराह नहीं होने वाली। जैसा मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि जल्दबाजी क्यों की गई, पर जो उन्होंने कहा उसमें कहीं भी यथार्थ नहीं है। यदि वो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लगाए हुए आरोप के आंकड़े प्रस्तुत करते तो शायद उसकी प्रामाणिकता सामने आती, परंतु आश्चर्य है कि उन्होंने केवल वन लाइनर जिस प्रकार से बात की जाती है ऐसी बात की, किसी भी तरह से कोई भी अपनी बात में आंकड़े वो प्रस्तुत नहीं कर पाए और जो आंकड़े एक दो प्रस्तुत किए वो भी झूठे थे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, अभी एक वर्ष पूर्ण होने में समय है, परंतु विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र को अक्षरशः पालन करते हुए उस पर तेज गति से काम किया है। चाहे हम विकास की बात करें, चाहे हम जनता के कल्याण की बात करें, चाहे हम आर्थिक अनुशासन की बात करें, चाहे हमारी पुरानी योजनाओं को जनता तक पूरे हित के साथ पहुंचाने की बात करें या आगे आने वाले समय की हमारी योजनाओं को सही ढंग से मूर्त रूप देने के लिए बजट की सुव्यवस्था करने की बात करें,
संस्कृति को बचाते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को रोजगार, किसान को उसकी खेती का सही दाम, महिलाओं को सम्मान, मजदूर को इस प्रदेश में जीने का सही हक देना, कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्ती, केंद्र सरकार से मिलकर डबल इंजन की सरकार को एक एक कस्बे, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले और एक एक घर तक पहुंचाना, उसके कल्याण और विकास को मूर्त रूप देना, किसी मोर्चे पर मोहन सरकार विफल नहीं रही है। अब ये कांग्रेस को नहीं दिख रहा क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा अलग है। यदि मैं बात करूं, उन्होंने जहां से शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोहन यादव जी की सरकार ने एक वर्ष में 45,000 करोड़ का लोन ले लिया। मुझे मालूम नहीं कि उनका प्रेस नोट कौन बनाता है, और वो इतने नासमझ हैं या इतने सोर्सेज नहीं है तो उनको अपनी इस जानकारी को पुख्ता करना चाहिए। मोहन यादव सरकार ने 45,000 करोड़ का कर्ज नहीं लिया। हमारी जो, जैसा मैंने कहा, आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए जीडीपी के अगेंस्ट हमारी जो लोन लेने की लिमिट है, हमने अभी उसको भी पूरा अवेल नहीं किया है। हमने 25,000 करोड़ लोन लिया, पर 25,000 करोड़ लोन लेने के अगेंस्ट हमने क्या क्या काम किए, मैं 5 मिनट में आपको ब्रीफली उसको बताऊंगा। पर क्योंकि इससे पहले उन्होंने बात की है कमलनाथ सरकार की लोन की स्थिति को, मैं जरूर यहां आपके सामने बताना चाहता हूं। कमलनाथ जी की सरकार लगभग, यदि हम देखें तो 2019 की जनवरी में ही फॉर्म हुई थी, और कमलनाथ जी ने सबसे पहले पुण्य कार्य यदि कोई किया तो इस प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ डालने के लिए 11 जनवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 1 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 22 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 28 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 मार्च को 1,000 करोड़ रुपए, 25 मार्च को 600 करोड़ रुपए, 5 अप्रैल, आप देख रहे हैं कोई महीना ऐसा नहीं था कमलनाथ की सरकार में जिसमें उन्होंने कर्ज ना लिया हो, और कर्ज लिया तो केवल और केवल घी पीने के लिए लिया। 30 अप्रैल 500 करोड़, 1 मई 1000 करोड़, ये सब 2019 के आंकड़े हैं। 30 मई 1000 करोड़, 7 जून 1000 करोड़, 5 जुलाई 1000 करोड़, 6 अगस्त 1000 करोड़। क्या जीतू भाई, कमलनाथ जी की सरकार की बखियां उड़ने के लिए आज प्रेस कर रहे थे क्या? वो ये झूठा फिगर देके कमलनाथ सरकार के कर्ज की स्थिति को जनता के सामने लाना चाहते थे क्या? वो दिल्ली और प्रदेश की जनता, दिल्ली के नेतृत्व और प्रदेश की जनता को कमलनाथ सरकार की खामियां बताने के लिए इनडायरेक्टली प्रेस कर रहे थे? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। एक इल्ज़ाम हम पर ये लगाया है कि कमलनाथ मोहन यादव जी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। मैं 5 मिनट का समय आपसे लूँगा। यदि मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टमेंट को लेकर एक व्यापक सोच के साथ, इन्वेस्टमेंट केवल एक प्रदेश के एक हिस्से में हो इससे काम नहीं चलेगा, केवल इन्वेस्टमेंट महानगरों तक सीमित होगा तो उसकी व्यापकता और उसका असर हर गांव तक नहीं पहुंचेगा, इस सोच को पुख्ता करते हुए शायद प्रदेश में पहली बार रीजनल इन्वेस्टर समिट का एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया। और वो केवल रस्मदाइगी नहीं थी, हम यदि बात करें तो हमने उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, सागर में रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उस रीजन में क्या कुछ उद्योग के अवसर हो सकते हैं इस पर तो बात की ही, साथ ही इन्वेस्टमेंट लाने में भी हमने सफलता अर्जित की। और उसी तरह मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता में हमने रोड शो आयोजित करके लगभग 2,76,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। टोटल मिलाकर यदि हम देखें तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले यूके और जर्मनी के ट्रिप से आए, आप सबको मालूम है, उन्होंने प्रेस में इस बात को जानकारी दी थी कि उन 3 दिन के फॉरेन के दौरे में लगभग 78,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए। हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है वन विंडो का, उसको चरितार्थ करते हुए आपने ही लिखा था मीडिया को, मैं धन्यवाद देता हूं,
कि यूके से ही किसी एक कंपनी को यदि इन्वेस्टमेंट आया था, उसको जमीन की जरूरत थी, तो जब मुख्यमंत्री जी ने वहां वो प्रस्ताव प्राप्त किया और देन एंड देयर मध्य प्रदेश से उनको अलॉटमेंट, जमीन के अलॉटमेंट के पत्र मिल गए। ये हमारा इन्वेस्टमेंट के प्रति जो कटिबद्धता है उसको स्थापित करता है। तो अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट आया उसमें लगभग 4 लाख से ज्यादा युवाओं को और हमारे नागरिकों को रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यदि हम विकास की बात करें, जिस बात को लेकर हमारे कांग्रेस के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, संकल्प पत्र को लेकर भी उन्होंने बात की कि हमने संकल्प पत्र में कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं उनकी जानकारी में देना चाहता हूं कि हमने एक संकल्प पत्र बनाया, निश्चित रूप से बनाया, उसको लेकर हम जनता के बीच गए, हमने चुनाव लड़ा और उसमें लगभग 456 हमारे संकल्प के पॉइंट थे जिन पर हमें काम करना था। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता, आपको भी मालूम है संकल्प पत्र 5 साल का होता है, किसी भी सरकार का रोड मैप एजेंडा होता है, पर मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 456 में से 310 संकल्प पर हमने काम करना शुरू ही नहीं किया, बल्कि उसमें से लगभग 50 तो हमने पूरे कर लिए और 310 पर हमारा तेजी से प्रगति चल रही है, क्योंकि कुछ अल्पकालिक होते हैं, कुछ दीर्घकालिक होते हैं, तो ये कहना भी उनका बिल्कुल ठीक नहीं है कि हमने संकल्प पत्र पर काम नहीं किया। विकास के मामले में यदि हम बात करें, मैं कनेक्टिविटी से बात शुरू करूंगा, तो 2024-25 के बजट के लिए हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सड़क और पुल और पुलिया के लिए रखा है। ग्वालियर बेंगलोर, ग्वालियर अहमदाबाद, ग्वालियर दिल्ली, अयोध्या विमान सेवा को यहां से शुरू किया गया। यातायात की सुगमता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आउट ऑफ बॉक्स जाकर निर्णय लिए, चाहे वो BRTS को हटाने का मामला हो भोपाल की, या इंदौर को हटाने का निर्णय लेना हो, या फिर एलिवेटेड कॉरिडोर, चाहे वो इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे रीवा हो, चाहे जबलपुर हो, उसमें एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर करोड़ रुपए के सैंक्शन देने की बात हो। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से हमने 724 किलोमीटर सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास के पिछले एक वर्ष में काम किए हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि, जो कि स्टेट का भी यदि कहीं पर शेयर है तो वो भी हमने सैंक्शन की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 24,500 करोड़ रुपए की अधोसंरचना परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास विगत एक वर्षों में मोहन सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी और अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 33 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास और 133 रेल ओवरब्रिज एवं अंडरपास का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। मध्य प्रदेश को लगभग 364 विभिन्न रेल परियोजनाओं की सौगात मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के अगेंस्ट में मिली है, जिसमें प्रदेश की 4थी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इस विगत एक वर्ष में हमें मिली है। भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव और सुविधा के विकास के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की नई कोच कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन एवं सागर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत 550 से अधिक शहरी ई बसों का संचालन का निर्णय लिया गया है। जबलपुर में 485 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से राज्य न्यायिक अकादमी के लिए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। उज्जैन जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण के लिए 5,017 करोड़ रुपए की से अधिक की स्वीकृति विगत एक वर्ष में मोहन सरकार ने दी है। 1540 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला भोपाल मेट्रो के नए स्टेशनों का भूमि पूजन होकर उनमें काम शुरू हो गया और इसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। ग्वालियर में देश के सबसे कम समय में बनकर तैयार हुए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट राजमाता विजयराज सिंधिया का एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया और उसमें सुचारू रूप से सुविधाएं जनता को मिलने लगी है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 8,565 ग्रामों को 19,338 किलोमीटर लंबाई की लगभग 8,410 सड़कों के 12 मासी मार्ग से जोड़ा गया है, जो कि हमने बजट में प्रावधान भी उसका किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष में लगभग 1,000 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण के लिए
एवं लगभग 2000 किलोमीटर की सड़कों के नवीनीकरण का प्रस्ताव भी बजट के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट में लाइसेंस मिल गया और उसके विस्तार का कार्य विगत एक वर्षों में बहुत तेजी से शुरू हुआ है। राष्ट्रपति जी के कर कमलों से 1692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उज्जैन इंदौर 6 लेन का भूमि पूजन मार्ग का भूमि पूजन किया गया और उसका कार्य बहुत तेज प्रगति से है। विंध्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात में मध्य प्रदेश का 6ठा एयरपोर्ट, जैसा मैंने बताया रीवा का एयरपोर्ट मिला है और ये उस पूरे क्षेत्र के लिए नए विकास के आयाम को स्थापित करेगा। 18,036 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर मनवाड़ रेलवे लाइन की परियोजना प्रदेश की प्रस्ताव पर स्वीकृत हो चुकी है। उसमें जो पैसा या जो सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार को देनी है उसके लिए हमने पूरा प्रावधान किया है। 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 30 नए स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश में विगत एक वर्षों में हुआ है। रेल परियोजनाओं में प्रदेश के जनजातीय बहुल आकांक्षी जिले, ये प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी सोच है, आकांक्षी जिले या आकांक्षी ब्लॉक, वहाँ पर विकास के नए आयाम स्थापित हो इसलिए जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिलों को पूरी तरह लाभान्वित करने की योजनाएं की गई हैं। 3,589 करोड़ की लागत से भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4 लेन के अपग्रेडेशन की स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दी है। 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। लगातार विकास के हमने कार्य किए हैं। जैसा कर्ज की बात है तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जीतू जी ने, उमंग जी ने बड़े ज्ञान की बातें की, अच्छा लगता कि वो लगभग हमारे ही समय पर बनी हुई तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल सरकार का भी जिक्र करते। मुझे लगता है व्यापक रूप से बात करते तो शायद ज़्यादा यथार्थ सामने आता। हम आपको सबको मालूम है और आपके माध्यम से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की सरकार में शासकीय कर्मचारियों को पैसे तनख्वाह देने के भी लाले पड़े हुए हैं। एक भी उनका संकल्प पत्र या वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कटाक्ष किया है कि वादे उतने करने चाहिए जितने पूरे हो सके। कांग्रेस की उन सरकारों ने कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। एक बात और की गई है कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर बहुत भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है फिर ये बात इसीलिए की गई कि वो कमलनाथ सरकार की याद दिलाना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है, हमारे यहाँ तो ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। विगत एक वर्षों से तो मोहन सरकार ने ट्रांसफर पर बैन ही नहीं खोला है, तो कौन से ट्रांसफर की वो बात कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है। जो प्रशासकीय अमले का ट्रांसफर है वो तो रेगुलर है, IAS IPS का ही अमूमन है, वो तो व्यवस्था है बनाने के लिए, पर ट्रांसफर उद्योग खुल गया है, मुझे लगता है आश्चर्य। ये भी मुझे लगता है उनके अल्प ज्ञान का ही परिचायक है। हमने लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने बहुत बातें की हैं। कानून व्यवस्था में मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, मोहन सरकार ने स्पष्टता के साथ ये सुनिश्चित किया है कि अपराधी, कालाबाजारी करने वाले या कानून को अपने हाथ में लेने वाला कोई भी वर्ग किसी भी तरह का होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का परिणाम है कि चाहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराध की बात हो, इन सब अपराधों में विगत एक वर्षों में 7.91% की कमी आई है। वो कह रहे हैं कि बढ़ गए, जबकि आंकड़े कह रहे हैं कि 7.91% की इन सब अपराधों में कमी आई है। अवैध नशे को लेकर मोहन सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं और इसमें लगभग 6,161 प्रकरणों में लगभग 7,886 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 29 आरोपियों की लगभग 115 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार हम विकास और नए कल्याण के आयाम को सुनिश्चित कर रहे हैं और ये हमारा कमिटमेंट है कि हमारी सरकार 5 साल में जो हमारा संकल्प है उसको तो पूरा करेगी ही करेगी। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है वो स्थापित हो और ये सुनिश्चित हो कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित हो। प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियों का जिक्र किया है, वो महिला,
वो युवा, वो मजदूर, वो किसान, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। जनता का कल्याण, गरीब कल्याण, रोजगार, ये हमारी प्राथमिकता है और मोहन यादव जी की सरकार इसमें पूरी तरह से लगी है। 13 तारीख को जब एक वर्ष पूर्ण होगा तो हम और विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको इस विषय में और जानकारी देंगे। पर मैं फिर कहना चाहता हूं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गुटबाजी को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता जनता को भ्रमित ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहीं ना कहीं इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जो मोहन यादव सरकार का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है उस पर अब बार पलटवार होना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।